दिल्ली में रावण राज किसने पैदा किया? भीड़ को भीम आर्मी चीफ ने भड़काया। भीड़ को उकसाने वाला रावण गिरफ्तार। जुमे की नमाज के बाद किसने लगाई हिंसा की आवाज? दिल्ली में 12 मिनट की साजिश। नागरिकता कानून पर देश में जो उबाल शुरू हुआ है उसकी तपिश सबसे ज्यादा दिल्ली में महसूस हो रही है। बीते एक हफ्ते में दिल्ली के कई इलाकों में जबरदस्त हिंसा हुई। हर बार बिना चेहरे वाले शैतान दिल्ली को जला रहे थे, दिल्ली को सुलगा रहे थे, लेकिन पहली बार भीड़ का एक चेहरा सामने आया। वो चेहरा था भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और रावण का। पुलिस की FIR में दर्ज शिकायत के मुताबिक भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भीड़ को उकसा रहे थे। पुलिस के मुताबिक चंद्रशेखर ही वो शख्स थे जो दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में जुमे की नमाज के बाद भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। शुक्रवार को दिन में पुलिस ने कई बार चंद्रशेखर को हिरासत में लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार चंद्रशेखर भीड़ की आड़ में पुलिस को चकमा देते रहे। लेकिन आखिरकार देर रात पुलिस ने चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल शुक्रवार को दिल्ली के जामा मस्जिद के इलाके में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। लोग नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक भीड़ में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर भी दिखाई दिए। सफेद शर्ट पहने चंद्रशेखर के हाथों में संविधान की किताब भी दिखी। पुलिस इसी को आधार मान रही है कि किताब के जरिए ही चंद्रशेखर भीड़ को उकसाने की कोशिश कर रहे थे। चूंकि इलाके में पहले से धारा 144 लगी हुई थी, लिहाजा पुलिस ने चंद्रशेखर को प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी। इसके बावजूद भी चंद्रशेखर ने जामा मस्जिद से मंडी हाउस तक मार्च निकाला, जिसमें उनके समर्थक भी उनके साथ शामिल थे। ये वही सीटें जहां मौलाना आजाद साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि देश को बंटने नहीं देंगे, आर्टिकल 14। प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी। इसके बावजूद भी चंद्रशेखर ने जामा मस्जिद से मंडी हाउस तक मार्च निकाला, जिसमें उनके समर्थक भी उनके साथ शामिल थे। ये वही सीटें जहां मौलाना आजाद साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि देश को बंटने नहीं देंगे, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 धर्म के आधार पर भेदभाव का बिल्कुल कड़ा विरोध करता है, उसको खत्म किया जा रहा है। बाबा साहब का बच्चा हूँ, बाबा साहब का बेटा हूँ, अपने होते संविधान को खत्म होने नहीं दूंगा। पुलिस के मुताबिक चंद्रशेखर के मार्च की वजह से इलाके में हिंसा भड़कने की आशंका थी, लिहाजा पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की। लेकिन चंद्रशेखर भीड़ की आड़ में पुलिस से लुका छिपी का खेल खेलने लगे। इसी बीच भीड़ में किसी ने अफवाह फैला दी कि चंद्रशेखर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब स्थिति और बेकाबू हो गई। लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा कि चंद्रशेखर को रिहा करो, लेकिन वास्तव में चंद्रशेखर को पुलिस ने हिरासत में भी नहीं लिया था। प्रदर्शनकारी विरोध करते हुए अलग अलग इलाकों में जाने लगे। इस दौरान चंद्रशेखर कहाँ थे किसी को नहीं मालूम। खास बात यह है कि दिल्ली के जामा मस्जिद में भीड़ तो बहुत थी, लेकिन किसी तरह का हिंसात्मक प्रदर्शन नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर जामा मस्जिद से 2 किलोमीटर दूर दरियागंज में जमकर हिंसा हुई। यहां तक हिंसा हुई कि पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। जामा मस्जिद से करीब 12 मिनट की दूरी पर स्थित दरियागंज में शुक्रवार की शाम में जमकर हिंसा हुई। कार में आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को पानी की बौछार का इस्तेमाल करना पड़ा। बाद में किसी तरह पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया। दूसरी तरफ देर रात फिर से जामा मस्जिद में चंद्रशेखर अपने समर्थकों के साथ दिखे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस पहले चंद्रशेखर को मेडिकल चेकअप के लिए लेकर गई। पुलिस की FIR के मुताबिक चंद्रशेखर भीड़ को उकसा रहे थे और वही भीड़ का नेतृत्व भी कर रहे थे। हालांकि जामा मस्जिद में हिंसा नहीं हुई, लेकिन जामा मस्जिद से 2 किलोमीटर दूर दरियागंज में जमकर हिंसा हुई, जिसके बाद कई सवाल खड़े हुए। सवाल ये है कि क्या भीड़ को भीम आर्मी चीफ ने भड़काया? क्या भड़की हुई भीड़ ने दरियागंज इलाके में हिंसा की वारदात को अंजाम दिया? भीड़ के पीछे चंद्रशेखर नहीं तो फिर कौन? ऐसे कई सवाल हैं
जिनके जवाब अभी आने बाकी हैं, लेकिन पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक दिल्ली में हिंसा की आग को एक तारीख के तहत भड़काया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इलाके में तनाव फैलाने वाले लोगों की धरपकड़ में जुटी है। कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।